Hello YouTube family, welcome to Study with Deepak. So guys, this is Deepak Yadav and one of the educator on Unacademy. You can also download the Unacademy learning app. In this particular video, we will talk about the chapter 1 part 4, that is Gupta Age. So guys, hum cover kar rahe hain yahan pe Art and Culture, which is written by Nitin Singhania. And this book is so much important from the viewpoint of UPSC. सो गाइज़, ये बुक जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हमने पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे 8 to 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता ही है. तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, तो चैप्टर वन हम कवर चल ही रहा है हमारा. पार्ट 1, 2 और 3 कवर हो चुके हैं. हरप्पन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन हो चुका है. अब यहाँ पे पोस्ट मौर्यन के बाद आ गया है गुप्ता एज. तो गुप्ता एज डिस्कस करेंगे. गुप्ता एज में आर्किटेक्चर्स कैसे थे, स्कल्पचर्स कैसे थे. सो गाइज़, आप कभी नहीं भूलोगे ये लेसन अगर आप पूरा देखोगे तो, क्योंकि हम पिक्चर वाइज और मैप वाइज यहाँ पे सब कुछ कवर कर रहे हैं. तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए. यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ आएंगी ऐसे ही स्टैटिक बुक से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारी आपके पास पहले पहुँच जाएँ. तो गाइज, दबा लीजिए सब्सक्राइब का बटन और आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दीपक _1000 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और फेसबुक पे मैं दीपक यादव के नाम से हूँ. सो गाइज, आप मुझसे दोनों पर ऐड हो सकते हो और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो. सो गाइज, यहाँ पे हम लोग गुप्ता एज देखते हैं. गुप्ता एज स्टार्ट करते हैं. हमने क्या पढ़ा, हरप्पन अभी तक कवर कर लिया है हमने, उसके बाद मौर्यन आर्ट हमने कवर कर लिया है, पोस्ट मौर्यन आर्ट के हमने आर्किटेक्चर स्कल्पचर कवर कर लिए हैं. अब हमें गुप्ता एज आ गया है. अब गुप्ता एज के हमें स्कल्पचर प्लस आर्किटेक्चर कवर करना है कि कैसे कैसे थे वहाँ पे सब, केव्स वगैरह किस तरीके थी. तो गाइज, द इमर्जेंस ऑफ द गुप्ता एज इन 4th सेंचुरी AD में गुप्ता एज आया, जिसे हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं. गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे यहीं से ही जो आयुर्वेदा है और बाकी सारी चीज़ें वो हैं, यहीं से ही डेवलप होना सब चीज़ चालू हुई, इसलिए हम यहाँ पर गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहते हैं. वाइल द अर्लियर गुप्ता रूलर वर बुद्धिस्ट, यानी कि जो अर्लियर गुप्ता थे, ये गुप्ता इससे पहले जो अर्लियर गुप्ता पहले वाले गुप्ता रूलर्स थे वो बुद्धिस्ट थे और ये कंटिन्यू द ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर. और ये जो ट्रेडिशंस था, ये जो ये ट्रेडिशन चल रहा था वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से ही कंटिन्यू रखा गया. टेम्पल आर्किटेक्चर केम टू द फोर्स्ट फ्रंट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द हिंदू रूलर्स. यानी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, यानी बुद्धिस्ट का जो ये ट्रेडिशंस था ये चल ही रहा था, बट इसके साथ साथ क्या करा, टेम्पल आर्किटेक्चर हमने और इसमें ऐड कर दिया. तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी साथ में आ गया और जिससे जो कि हिंदू रूलर्स के द्वारा यहाँ पे पेट्रोनेज यानी करा जा रहा था. जो कि टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो क्लाइमेक्स तक पहुँच गया उसी पीरियड में. बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट ऑल्सो रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द गुप्ता एज. यानी कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ साथ इन्होंने जैन प्लस बुद्धिस्ट दोनों को सिमिलरली दोनों को ही क्या करा है, रीच, यानी कि दोनों के ऊपर ही काम हुए हैं. ये नहीं है कि हाँ डायरेक्ट बुद्धिस्ट तो फिर हमने बुद्धिस्ट को छोड़ दिया, जैन को छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं करा यहाँ पे गुप्ता एज में. गुप्ता एज में क्या हुआ था कि टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ साथ बुद्धिस्ट का भी राइजिंग हुआ और जैन का भी राइजिंग हुआ, जो कि अपने पीक तक पहुँच गया. गुप्ता रूलर्स स्पेशली इन लेटर फेज वर ब्राह्मणिकल रूलर्स. गुप्ता रूलर्स जो है वो बाद में क्या हुआ है, ब्राह्मणिकल रूलर्स. However, they show exemplary tolerance for all other religions. यानी कि वो हिंदू रूलर्स तो हुए बट उसके साथ साथ उन्हें अदर रिलीजन्स जो बाकी बुद्धिस्ट और जैनिज्म थे उनको साथ में लेके चले. यानी कि हाँ कि उन्हें उनको छोड़कर अपना जो है अपना रिलीजन से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबको साथ में लेके चले थे गुप्ता रूलर्स. 3 principal deities, यानी 3 जो देवता थे वो कौन से जिनकी पूजा करी जाती थी, विष्णु जो कि नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट में की जाती थी इंडिया में, देन शिवा जिनकी सदर्न पार्ट में करी जाती थी, शक्ति जो कि सारी देवियाँ जिनकी ईस्टर्न पार्ट में करी जाती थी, एज वेल एज इन द मालाबार कोस्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे इंडियन देवी देवताओं की पूजा करी जाती थी. ये जगह पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में और आप यहाँ पर आपको सही से एकदम कवर करके चलना पड़ेगा. देन उसके बाद हम आते हैं आर्किटेक्चर्स पे. अभी हमने ब्रीफ पढ़ा गुप्ता एज के बारे में, कैसे कैसे आया गुप्ता एज, क्या क्या हुआ उसके अंदर, बुद्धिज्म, जैनिज्म और प्लस टेम्पल भी आए, तो हमें इन तीनों के अब आर्किटेक्चर बने होंगे, वो हम आर्किटेक्चर कवर करेंगे. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेंड कॉन्स्टेंट. जो गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट चला वो एकदम ऐसे ही कॉन्स्टेंटली चलता रहा. हाउएवर द यूज ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स बिकेम एन एडेड फीचर. यानी म्यूरल पेंटिंग्स जो है वो जुड़ गई. जैसा आर्किटेक्चर चल रहा था अभी तक मौर्यन आर्ट से ही, वो ऐसे चल रही चल ही रहा था, केव वगैरह सब ऐसे ही चल रहे थे,
बट यहाँ पे क्या हो गया, आप एक म्यूरल पेंटिंग जुड़ गई। म्यूरल पेंटिंग क्या होती है, जो कि वॉल्स पे बनी बनाई जाती है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वॉल्स पे, उन्हें कहते हैं हम म्यूरल पेंटिंग। सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। यानी कि जो आप एग्जाम्पल के तौर पर अजंता और एलोरा केव्स की म्यूरल पेंटिंग्स को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है। अभी हम इसे लास्ट में इसकी पिक्चर देखेंगे एक म्यूरल पेंटिंग की, आपको वहाँ से आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगी चीज़। देन आते हैं हम अजंता केव्स पे। सबसे पहला हमारा क्या आर्किटेक्चर था गुप्ता एज में, अजंता केव्स। अजंता इज अ सीरीज ऑफ रॉक कट केव, यानी जो अजंता केव है वो एक सीरीज चल रही थी, जो कि रॉक को काट कर जो केव्स बनाए जा रहे थे, ये तो अभी पोस्ट मॉडर्न आर्ट से ही बन रहे हैं। इन द सहायद्री रेंजेस ऑन वगौरा रिवर नियर औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र के पास है, वहाँ पर ये काम चल रहा था, अजंता केव्स वहाँ पे बन रही थी। देयर आर अ टोटल टोटल ऑफ 29 केव्स, यानी कि अजंता केव्स जो है वो 29 केव्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम इससे पहले वाले पार्ट में भी यही चीज़ पढ़ चुके हैं, यानी ये यही चीज़ बुक में रिपीट हो रही है, तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 29 केव्स, जो 29 केव्स थी, ठीक है, अजंता केव्स, जिसमें से 25 जो हैं वो विहारास होते हैं, ठीक है, 25 जो हैं वो विहारास। विहारास क्या, जहाँ पर जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट मॉन्क्स थे वो रहते थे, रेजिडेंशियल हॉल्स की तरह यूज़ करते थे, और चैत्यास थे, क्या थे, जहाँ पे हम प्रेयर करते थे, ठीक है, ये चीज़ हम वापस पढ़ रहे हैं। तो जो 29 केव्स थी उसमें से जो 25 केव थी वो विहारास थी, प्लस जो 4 थी वो चैत्यास केव्स थी, ठीक है, जहाँ पे प्रेयर होती थी। द केव्स वर डेवलप्ड इन द पीरियड ऑफ बिटवीन 200 BC टू 650, जो ये टाइम पीरियड है जब केव्स ये डेवलप हुई। देन द अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द वकटक किंग्स, हरिसेना बींग अ प्रोमिनेंट वन। यानी जो अजंता केव्स हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के ही उन पर बनाई जाती थी और चल ही रही थी वो, बट जो किसके अंडर चलाई जा रही थी, वकटक किंग्स के अंदर, जिसमें हरिसेना जो है वो एक महत्वपूर्ण था, ठीक है, जो हरिसेना है। द फिगर्स इन दीज केव्स वर डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग, जो फिगर्स हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग का यूज़ कर रही थी, ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेट कंसिडरेबली नेचुरलिज्म। फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है, जो एकदम रियलिज्म के ऊपर काम करे, एकदम नेचुरल लगे कि हाँ पेंटिंग हुई है, जैसे 3D वगैरह पेंटिंग्स होती हैं कि एकदम नेचुरल लगती हैं उनके ऊपर, वो होती है हमारी फ्रेस्को पेंटिंग। द कलर्स वर ऑप्टेंड फ्रॉम लोकल वेजिटेशन एंड मिनरल्स, जो कलर थे वो वेजिटेशन और मिनरल्स जो लोकली मिल रहे थे, जो ऑप्टेन हो रहे थे वहाँ से करे जाते थे। बट द आउटलाइंस ऑफ द पेंटिंग्स वर डन इन रेड कलर, जो आउटलाइन होती थी पेंटिंग की वो रेड कलर से करी जाती थी। देन द इनसाइड वॉज पेंटेड, यानी कि फर्स्ट काम क्या क्या करा जाता था, जो पेंटिंग का आउटर पार्ट था उसे रेड कलर से हम लोग पेंट आउटलाइन बना देते थे, देन उसके बाद अंदर पेंट करते थे। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर इज द एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग्स, यानी एक जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है, वहाँ पर ब्लू कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अजंता केव्स। देन केव नंबर 16, अब हम थोड़ा बहुत केव्स के बारे में पढ़ेंगे। जो केव नंबर 16 इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट स्पेसिमेन ऑफ केव स्ट्रक्चर, आपको ये याद रखना है, जो केव नंबर 16 है वो ज़्यादा बेस्ट बताई जा रही है यहाँ पर। द पेंटिंग्स वर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म, यानी बुद्धा की यहाँ पे फिगर बनाई गई पेंटिंग, देन उसके आगे पीछे भी वहाँ पर थीम टाइप की बना दी गई। द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक स्टोरीज वो होती हैं पास्ट स्टोरीज ऑफ बुद्धा, यानी जातक स्टोरीज क्या होती हैं, जो बुद्धा ने अपना कैसे कैसे जीवन व्यतीत कराया है वो हमारी जातक स्टोरीज के अंदर हैं, तो उन्हें कहा जाता है जातक स्टोरीज। तो जो ये थीम्ड है अराउंड बुद्धिज्म, यानी बुद्धा के बीच में पोर्ट्रेट बना, बुद्धा के बीच में पेंटिंग बनाई, पेंटिंग के किनारे किनारे उनका पास्ट स्टोरीज के रूप में वहाँ उसके किनारे किनारे भी पेंटिंग्स बना दी गई, ठीक है। ऑफ द 29 केव्स 5 वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द हिनायन फेस, वाइल द रिमेनिंग 24 डेवलप्ड ड्यूरिंग द महायान फेस ऑफ बुद्धिज्म। अभी हमने पढ़ा था 29 केव्स हैं, जिसमें से 24 क्या हैं, ठीक है, और 5 क्या हैं, आपको अब कमेंट करना है नीचे वो किस किस कैटेगरी में आती हैं, ताकि आपको रिविजन हो जाए उसी चीज़ का। देन यहाँ पर जो 29 केव्स हैं उनकी बात हो रही है, जिसमें से 5 जो हैं वो हिनायन फेस में बनाई गई, और जो 24 हैं, 24 केव थी वो महायान फेस पे बनाई गई। अब हम हिनायन फेस और महायान फेस क्या होता है हम उसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए।
हिनाइन फेस जो है स्मॉलर सेगमेंट मोर कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, छोटी सोच वाली वो फेस चल रही थी एक, ठीक है, नोन एज द स्मॉल बोट और राफ्ट, यानी कि छोटे समय तक कम समय तक के लिए थी भी, डोमिनेटेड बाय द थेरावाडा स्कूल ऑफ थॉट द ट्रेडिशन ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो ये हिनाइन केस थी वो डोमिनेट करी जाती थी जो कि थेरावाडा स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। अब महायान फेस क्या था, लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि लंबे समय तक चला, मोर लिबरल था, नोन एज द बिग बोट और राफ्ट, यानी कि बड़े फैले हुए था, यानी कि बहुत लंबे समय तक भी चला जो महायान फेस है, न्यूमरस स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि इसमें सिर्फ थेरावाडा, जैसे इसमें था सिर्फ थेरावाडा था, इसमें ढेर सारे स्कूल ऑफ थॉट थे, नो वन स्कूल डोमिनेट्स, यानी कि एक भी स्कूल किसी के ऊपर ऑर्डरिंग या फिर डोमिनेट नहीं करता था, ठीक है। सो गाइज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिनायन फेस एंड महायान फेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारी द डाइंग प्रिंसेस अजंता, एक अजंता की हमारी यहाँ पर ये पेंटिंग है, ठीक है गाइस, आप इसे देख सकते हैं, जो मैंने बताया था म्यूरल पेंटिंग जो है वो एक म्यूरल पेंटिंग की हमारे पास पिक्चर है, आप इसे देख सकते हैं। देन आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग एलोरा केव्स में, हमने अजंता केव्स कवर कर ली गुप्ता एज में, अब गुप्ता एज में ही एलोरा केव्स भी आई, ठीक है। तो फिर देखते हैं, एलोरा केव्स आर अनदर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ केव आर्किटेक्चर, यानी जो केव आर्किटेक्चर, जो गुफाओं का आर्किटेक्चर चला, एलोरा केव्स आर अनदर वन इंपॉर्टेंट साइट, यानी एक और जो इंपॉर्टेंट था वो एलोरा केव्स था अजंता केव्स के बाद। इट्स लोकेटेड नियर 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अजंता केव्स, यानी 100 किलोमीटर दूर है एलोरा केव्स अजंता केव्स के, अजंता केव्स से 100 किलोमीटर दूर था, इन द सह्याद्री रेंजेस ऑफ महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 34 केव्स, वो कितने ग्रुप था कॉमेंट करना है आपको बिना पीछे देखे। देन यहाँ पर 34 केव्स में से 17 जो थी वो ब्राह्मणिकल थी, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन केव्स थी। अब इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जैन भी हैं गाइज, यानी सारे रिलीजन्स को लेकर चल रहा था ये गुप्ता एज। दीज सेट ऑफ केव्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 5th एंड 11th सेंचुरीज एडी, ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया। देन न्यूअर एज कंपेयर टू अजंता केव्स बाय वेरियस गिल्ड्स, फ्रॉम गिल्ड्स क्या होते हैं, जो एक संघ होता है, यानी कि दूर से आए हुए लोग जो कलाकार थे, वो अलग अलग जगह से आए थे जो कलाकार थे ग्रुप में, जो काम करने आए थे एलोरा केव्स में, ठीक है, जो गिल्ड्स फ्रॉम विदर्भा, कर्नाटका, तमिलनाडु, हेंस द केव्स रिफ्लेक्ट अ नेचुरल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द थीम एंड आर्किटेक्चुरल स्टाइल्स, यानी कि जो गिल्ड्स थे जो अलग अलग जगह से आए हुए थे पेंटिंग करने, ये जो इसके अंदर केव्स बनाने, आर्किटेक्ट करने आए थे, तो उनके सबके अलग अलग थॉट्स भी होंगे, जिस वजह से डाइवर्सिटी आई थीम में, यानी कि जिस वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन कर तरीके से बनाया गया। देन अब हम आते हैं केव्स पे, केव्स जो हैं, केव्स 1 से लेकर 12 तक बुद्धिस्ट हैं, केव्स 13 से लेकर 29 तक हिंदू केव्स हैं, देन केव्स 30-34 जैन केव्स हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं दिगंबरा सेक्ट। सम ऑफ द प्रोमिनेंट केव्स इन एलोरा आर, जो इंपॉर्टेंट केव्स हैं एलोरा में उनके बारे में बताया गया है, तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट केव है केव नंबर 10, जो कि इज अ बुद्धिस्ट चैत्या, बुद्धिस्ट क्या क्या है, चैत्या, चैत्या यानी प्रेयर हॉल, नोन एज विश्वकर्मा केव, यानी कि जो केव नंबर 10 है उसे विश्वकर्मा केव कहते थे, और कारपेंटर्स केव, तो गाइज इसे याद रखना है नाम। बुद्धा इज सीटेड इन व्याख्यान मुद्रा हेयर एंड बोधी ट्रीज कार्व्ड एट हिज बैक, यानी कि जो बुद्ध हैं वो व्याख्यान एक मुद्रा में बैठे हुए हैं आग बंद करके, जहाँ पर उनके पीछे जो ये आर्किटेक्चर हुआ हुआ है, देन उनके पीछे क्या बनाया गया हुआ है, बोधी ट्री का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पीछे उनके, उनके जो पिक्चर के पीछे बनाया गया है। देन केव नंबर 14, 10 के बाद आया हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट केव, केव नंबर 14 इस थीम्ड रावण की खाई, केव नंबर 14 को रावण की खाई भी कहते थे। केव नंबर 15 इज दशावतार टेम्पल, केव नंबर 16 इज कैलाश टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल के नाम से जाना गया, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता था। इट वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूटस किंग कृष्णा वन, ठीक है, इनके अंडर में ये जो टेम्पल था ये चला, एंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ मोनोलिथ, ये जो टेम्पल बना हुआ था ये मोनोलिथ यानी एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ था, एंड इवन हैज अ कोर्टयार्ड, एक वरांडा भी था। इन केव नंबर 16 देयर इज ऑल्सो अ स्कल्पचर ऑन द वॉल ऑफ अ कैलाश टेम्पल,
स्कल्पचर भी थे ढेर सारे वॉल के ऊपर वहां पे उस टेम्पल के अंदर ही, डिपेक्टिंग रावण शेकिंग मौनी कैलाश, माउंट कैलाश, सॉरी गाइस यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे क्या बताया था, रावण जो है वो शेकिंग माउंट कैलाश, ऐसा इस तरीके का पिक्चर यहाँ पे, वहाँ पे जो इस तरह का स्कल्पचर वॉल पे बनाया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ इंडियन स्कल्पचर, जो ये है ये एक मास्टर पीस ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहा जाता है। देन आते हैं हम यहाँ पे प्रोमिनेंट केव्स एलोरा पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आते हैं धूमर लेना जो कि केव नंबर 29 है, रामेश्वर टेम्पल जो कि केव नंबर 21 में, टू फेमस जैन केव्स, यहाँ पे दो बहुत फेमस जैन केव्स भी हैं जिनका नाम है इंद्र सभा केव जो है वो 32 है, देन दूसरी जगन्नाथ सभा जो केव नंबर 33 है। तो गाइज ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जैन केव्स, इन्हें जैन को भी साथ में लेके चला है, तो आप इन दोनों केव्स के नाम याद रखना क्योंकि ये पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं हम केव्स, हमने पढ़ लिया केव्स में अजंता एलोरा पढ़ लिया, अब हम आएंगे स्कल्पचर्स के ऊपर कि स्कल्पचर्स कैसे थे। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड अ न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड सारनाथ, यानी कि सारनाथ में एक जो गुप्ता पीरियड का टाइम चल रहा था, एक नया स्कूल बनाया गया स्कल्पचर का, ठीक है गाइस। इट वॉज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ क्रीम कलर सैंड स्टोन्स एंड द यूज ऑफ मेटल, ये किससे कैरेक्टराइज कराया, किससे पहचाना जाता था, क्रीम कलर सैंड स्टोन का यूज करा जाता था और मेटल का यूज करा जाता था। द स्कल्पचर ऑफ दिस स्कूल वर इमेक्यूलेटली, यानी कि एंड डिराइज्ड, यानी कि जो स्कल्पचर्स थे उस स्कूल के वो इमेक्यूलेट के मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, पवित्र या शुद्ध तरीके से ड्रेस्ड होते थे, एंड लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस, यानी कि जो शरीर के ऊपर थोड़ा सा हम अभी तक पोर्ट्रेट हम स्कल्पचर्स देखते नहीं थे वो विदाउट क्लोज थी, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इमेक्यूलेटली ड्रेस्ड यानी पवित्र शुद्ध तरीके से ड्रेस्ड होती थी स्कल्पचर। द हेलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा वॉज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, यानी जो हेलो जो बुद्धा के पीछे एक बड़ा सा वो बना रहता था पीछे गोल सा इस तरीके से, वो क्या जटिलता पूर्वक वहां पर उसे डेकोरेट किया गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सुल्तानगंज बुद्धा जो कि 7.5 फीट हाई है, तो हम ये देख लेते हैं, ये है हमारे पास स्कल्पचर सुल्तानगंज बुद्धा का, ठीक है गाइस। यही बुक में है बट वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट है, ये कलर्ड है गाइस। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक, इसी तरह से हम डिस्कशन करते रहेंगे, सारी स्टैटिक बुक्स कवर करेंगे, तो करंट अफेयर कोर्स भी हमारे आते हैं और आएंगे भी आगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा देना ताकि सारे जो हमारे पास जितने भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपके पास सबके नोटिफिकेशन आते रहें। तो हम लोग अब आते हैं टेम्पल स्ट्रक्चर पे। टेम्पल स्ट्रक्चर विद द डेवलपमेंट ऑफ अ स्क्वायर सैंक्टम एंड अ पिलर्ड पोर्टिको एमर्ज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब हम सैंक्टम और पोर्टिको का मतलब अभी हम आगे जानेंगे और हम पिक्चर्स के थ्रू जानेंगे जिसके जिसके थ्रू आपके दिमाग में जो है वो चीज़ बैठ जाएगी। देयर वॉज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम द फ्लैट रूफ्ड, यानी कि प्रोग्रेशन कैसे हुआ टेम्पल, यानी कि अब मंदिर बनना जब स्टार्ट हुए तो पहले कैसे मंदिर बनते थे, पहले फ्लैट रूफ के मंदिर बनते थे, यानी इस तरीके से मंदिर का जो छत है वो फ्लैट रहती थी, ठीक है, यही बताया जा रहा है। प्रोग्रेशन फ्रॉम द फ्लैट रूफ्ड मोनोलिथिक टेम्पल्स इन द इनिशियल स्टेजेस, यानी कि एक ही मटेरियल के मोनोलिथिक टेम्पल्स बनते थे। टू द स्कल्पचर शिकारा, शिकारा नहीं शिखर, यानी जो चोटी होती है शिखर, वहां तक जो पीक पॉइंट होता है वहां तक मोनोलिथिक का यानी सिंगल मटेरियल का यूज होता था। द प्रोग्रेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 5 स्टेजेस, अब जो ये प्रोग्रेशन हुआ है यानी कि अब ये फ्लैट रूफ से लेके हम अब देखते हो आप कैसे कैसे मंदिर बनते हैं, शिखर उनके बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो वो 5 स्टेज हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं किन किन स्टेजों में। तो पहले हम फर्स्ट स्टेज डिस्कस करते हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चेंजेस आए। द टेम्पल्स हैड फ्लैट रूफ, इस समय टेम्पल्स के फ्लैट रूफ होते थे, अभी हम पिक्चर मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा, ये देख लीजिए इस तरीके का जो टेम्पल का छत जो है वो फ्लैट होता था, आप देख सकते हैं ऊपर। देन सेकंड पॉइंट इज द टेम्पल्स वर स्क्वायर इन शेप, फिर से हम पिक्चर को देखते हैं, जो टेम्पल है वो आप देख सकते हैं स्क्वायर में है। फर्स्ट स्टेज हमारा जैसे हमारा प्रोग्रेशन हुआ था, क्या प्रोग्रेशन हुआ था वही हम डिस्कस कर रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट इज द पोर्टिको वॉज डेवलप्ड ऑन शैलो पिलर्स, पोर्टिको जो कि यानी कि आप देख सकते हैं ये पिलर हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको पोर्टिको क्या होता है, तो पोर्टिको हमारा जो होता है वो द्वार होता है, द्वार मंडप जिसे कहते हैं, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे
पोर्टिको, ठीक है, द्वार जो बाहर का मंडप होता है, यानी कि ये बाहर जो ये फ्लोर देख सकते हैं आप नीचे वाला, यहाँ से एंट्री करेंगे जो आप यहीं पे खड़े हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं पोर्टिको, द्वार मंडप, ठीक है गाइस। देन उसके बाद पोर्टिको हमारा शैलो प्लेट्स पे रुका हुआ था। द एंटायर स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड ऑन लो प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये कोई इतना हाई नहीं है, एक ही स्टेयर क्रॉस करके आ जाएंगे या फिर एक ही कदम में चढ़ जाएंगे, तो लो प्लेटफॉर्म पे बनते थे। देन उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज पे आते हैं। हमने फर्स्ट स्टेज में किस तरीके से प्रोग्रेशन हुआ हमने देख लिया, अब सेकेंड स्टेज में देखते हैं किस तरीके से प्रोग्रेशन हुआ। द टेम्पल्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस फेज कंटिन्यूड मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द अर्लियर फेज, द प्लेटफॉर्म्स वर हाईली और अप्रेज्ड, यानी कि काफ़ी सारे फीचर पहले वाले स्टेज से मिलते हुए थे, बट यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़े ऊंचे बनाए गए, हायर और अप्रेज्ड। सम इंस्टेंसेस ऑफ टू स्टोरी टेम्पल्स, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए टेम्पल थोड़े हायर बनाए गए हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल का, जो कि नचना कुठारा मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड स्टेज में टेम्पल थोड़े ऊंचे बनने लगे। सम इंस्टेंसेज ऑफ टू स्टोरी टेम्पल्स, कहीं कहीं जो टेम्पल है वो दो मंजिला भी बनते थे। अनदर इंपॉर्टेंट एडिशन वॉज कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे अराउंड द सेंक्टम सेंक्टोरम और गर्भगृह, यानी कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, टेम्पल के किनारे आप यहाँ पे चढ़े, यहाँ से आप टेम्पल के किनारे किनारे घूम सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं एम्बुलेटरी पासवे, पैसेज वे, जहाँ पे हम प्रदक्षिणा करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, घूमते हैं, तो यहाँ पे हम घूम सकते थे। तो ये रास्ता जो है ये कवर्ड थे बिल्कुल, ठीक है गाइस, जो ये कवर्ड थे। गर्भगृह क्या होता है हमारा, गर्भगृह है जैसे हम चढ़ के गए मंदिर में, जो बिल्कुल अंदर की साइड एक मेन गॉड बैठते हैं, डीटी बैठते हैं, भगवान बैठते हैं अंदर, जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है उनकी, वहाँ पे हम उन्हें गर्भगृह, उस जगह को हम गर्भगृह कहते हैं, जो कि सेंक्टम सेंक्टोरम भी कहा जाता है, यानी बिल्कुल अंदर जाके, ठीक है, गर्भगृह है यानी कि एकदम अंदर जो ग्रह होता है वो गर्भगृह है। या यहाँ चढ़ के गए अंदर, अंदर जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक डीटी बैठे होंगे, देवता बैठे होंगे, उस वहाँ पर हम उस जगह को हम कहते हैं गर्भगृह या फिर सेंक्टम सेंक्टोरम। देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल पार्वती टेम्पल एट नचना कुठारा इन मध्य प्रदेश, यानी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। देन थर्ड स्टेज पर आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज हमने कवर कर लिया, अब थर्ड स्टेज पर क्या चेंजेस हुआ ये देखना है। दिस स्टेज सॉ द एमर्जेंस ऑफ शिखर्स, यानी कि यहाँ पर इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में हमें शिखर देखने लगे, यानी कि लोग पीक बनाने लगे, इस तरीके से शिखर बनने लगे। हालांकि क्या था, शिखर जो है वो लो होते थे, यानी नीचे नीचे होते थे और कहीं कहीं स्क्वायर भी होते थे, ठीक है। मैं आपको एक दिखाता हूँ पिक्चर, यानी कि यहाँ पे देखिए शिखर तो बनने लगे, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, शिखर जो है वो लो बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं, नीचे नीचे शिखर बने हैं छोटे छोटे, और कहीं कहीं कर्वीलीनियर भी बने हुए हैं। देन उसके बाद क्या बात हो रही है, जो पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि पंचायतन स्टाइल चालू हो गया, यानी कि पंचायतन स्टाइल ये होता है, बीच में एक टेम्पल है, ठीक है, इसके साइड में चार टेम्पल और होते हैं, ठीक है, अब ये पांच में लगे पांच हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे पंचायतन टेम्पल कहते हैं, इसके साइड में भी चार टेम्पल होते हैं। जो फोर सब्सिडरी श्राइन्स हैं, यानी कि जो चार टेम्पल हैं अलॉन्ग विद द टेम्पल ऑफ द प्रिंसिपल डिटी, इन जो ये प्रिंसिपल डिटी यहाँ पे जो मेन टेम्पल होता है उनके किनारे किनारे बने हुए होते हैं। द मेन टेम्पल वॉज स्क्वायर विद एन एलोंगेटेड मंडप इन फ्रंट ऑफ इट गिविंग इट अ रेक्टेंगुलर शेप, जो मेन टेम्पल होता है, ये मेन टेम्पल ये जो है स्क्वायर में बना हुआ होता है, ठीक है, और उसके जो उसके साथ होता है एक मंडप बना होता है, मंडप यानी कि एक वरांडा, यानी कि वरांडा वरांडा नहीं कह सकते, बट यहाँ पे मंडप जो है एक जगह होती है जहाँ पे हम लोग खड़े होके जो हॉल होता है वहाँ पे प्रेयर यानी कि वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। देन उसके बाद आते हैं द सब्सिडरी श्राइन्स वर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर, जो एक टेम्पल के किनारे किनारे जो टेम्पल्स थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे। देन जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है वो है दश अवतार टेम्पल जो देवगढ़ में है यूपी में, दुर्गा टेम्पल जो कि एहोल में है कर्नाटक में, जो कि ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ये है दश अवतार टेम्पल देवगढ़ वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेम्पल है, शिखर भी है यहाँ पर, बट यहाँ पे लो है शिखर, और चार टेम्पल इसके इर्द गिर्द भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कहाँ पे बैठना है, प्रिंसिपल डीटी गर्भगृह में, यानी कि आप चढ़ के जाएंगे, यहाँ पे रेस्ट प्लेटफॉर्म ऊंचे भी बने हुए हैं, और जो डीटी हमारे मेन डीटी जो प्रिंसिपल डीटी बैठे होते हैं
देवता वो अंदर जाके गर्भगृह में, गर्भगृह यानी कि एक अंदर जहां पे प्रिंसिपलिटी बैठे होते हैं। देन उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेज में क्या चेंजेस आते हैं, द टेम्पल्स ऑफ दिस स्टेज वर ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट द मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर, यानी कि जो बाकी फीचर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, बस यहाँ पे क्या होता है जो हमारा मेन टेम्पल होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, और बाकियों में क्या हो रहा था अभी तक कि जो टेम्पल्स है वो स्क्वायर थे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तेर टेम्पल जो कि शोलापुर में है। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमने पढ़ लिए क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे प्रोग्रेशन हुआ, अब हम देखते हैं फिफ्थ स्टेज में क्या प्रोग्रेशन हुआ है। इन दिस स्टेज देयर वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर टेम्पल्स, अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक हम स्क्वायर रेक्टेंगुलर टेम्पल्स आ रहे थे, अब यहाँ पर क्या हो गया सर्कुलर टेम्पल्स आ गए, गोल गोल टेम्पल आ गए। हालांकि यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम थी, शिखर भी था और प्लेटफॉर्म भी था, ठीक है, तो बाकी क्या हो गया यहाँ पे टेम्पल सर्कुलर हो गया। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मनियार मठ जो कि राजगीर में है, ये देख सकते हैं आप, अब टेम्पल क्या हो गया हमारे सर्कुलर हो गए। अब देखते हैं हमारे स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि किस किस तरीके के टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे बनते थे, कैसे कैसे स्टाइल्स थे। पहला कौन सा था हमारे पास, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नायक वेसारा, होयसला, विजयनगरा एंड पाला एंड सेना, इनमें से हमें यहाँ पे देखना है नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे। तो द बेसिक फॉर्म ऑफ द हिंदू टेम्पल कंप्राइज द फॉलोइंग, यानी कि जो टेम्पल होते थे सारे उनका एक बेसिक चार चीज़ें थी, ठीक है गाइस, चार बेसिक चीज़ें थी, अगर ये चीज़ हैं टेम्पल में ये चीज़ होंगी ही होंगी, और आपको ये चीज़ पता है तो आप कभी भी टेम्पल का स्ट्रक्चर नहीं भूल सकते। तो हम लोग अब देखते हैं पहली चीज़ क्या थी, सैंक्टम सैंक्टोरम यानी गर्भगृह, जो कि अंदर जाके प्रिंसिपल डीटी बैठे होते हैं, वो जगह हर टेम्पल में होनी चाहिए जो बेसिक था हिंदू टेम्पल का। उसके बाद एक मंडप, मंडप यानी कि इट इज़ द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल एंट्रेंस, इट मे बी अ पोर्टिको और अ हॉल, एक हॉल भी हो सकता था या पोर्टिको जिसे पोर्टिको, ठीक है, या फिर एक हॉल भी हो सकता था, ठीक है गाइस। पोर्टिको हम कहते हैं द्वार मंडप को, यानी कि जैसे ही हम एंटर हुए मंदिर में तो एक ऐसे चबूतरा बना होता है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक हॉल बना होता है, फिर वहाँ पर मूर्ति रखी होती है, तो जो बाहर का चबूतरा होता है हम इसे कहते हैं पोर्टिको, और फिर अंदर वाला हॉल जो होता है मंडप, जहाँ पे हम खड़े होकर पूजा करते हैं। देन उसके बाद टेम्पल में क्या होता था, शिखर, शिखर सब में होता था, ठीक है, जो बेसिक फॉर्म था वो शिखर, फिशर हालांकि पिरामिडिकल हो या कैसा भी हो। फिर उसके बाद एक वाहन भी होता था, यानी जो प्रिंसिपल डेटी हमारी जो मेन देवी या देवता बैठाए जाते थे, मूर्ति बनाई जाती थी, उनका एक प्रिंसिपल डीटी, वो प्रिंसिपल डीटी का एक वाहन भी रखा जाता था, जैसे कि हमारे यहाँ पे शेरवाली माता है फिर माना जाता है, तो उनका एक वाहन क्या हो गया, शेर हो गया, या फिर ऐसे ही किसी प्रिंसिपल डिटी का वाहन जस्ट बिफोर द गर्भगृह या फिर सैंक्टम सैंक्टोरम के पहले ही रखा जाता था, ठीक है। हालांकि अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द लोकल रूलर्स, यानी कि लोकल रूलर्स के अंडर जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, अलग अलग जो स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर थे वो डेवलप्ड हुए अलग अलग रीजन्स में लोकल रूलर्स में। आपको पता है हमने पढ़ा था कि मौर्य एम्पायर के बाद स्मॉल डायनेस्टीज आ गई हैं, फिर उसके बाद वो अलग अलग जो लोकल रूलर्स हैं वो अलग अलग तरीके से बनाते थे। तो हम जानते हैं पहला जो है नगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में, फ्रॉम फिफ्थ सेंचुरी एडी से डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर होने लगे नर्दर्न पार्ट में इंडिया के, नोन एज द नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, उसे क्या कहते थे हम, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इवन इन द नगर स्कूल डिफरेंट सब स्कूल्स एमर्ज इन वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि नगर स्कूल के साथ साथ हमारे नगर के ढेर सारे और सब स्कूल्स थे, इसके अंडर भी सब स्कूल्स थे जो कि वेस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में थे कंट्री के। अब यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नगर स्टाइल, यानी जो नगर आर्किटेक्चर होता था उसके ढेर सारे फीचर्स थे, अब हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट फीचर क्या है, जो टेम्पल थे वो पंचायतन स्टाइल में होता था, यानी कि पहले एक टेम्पल उसके किनारे किनारे चार टेम्पल, ये हमारा एक पंचायतन स्टाइल में टेम्पल होता था। उसके बाद जो दूसरा फीचर है वो प्रेजेंस ऑफ असेंबली, असेंबली हॉल्स, यानी कि जैसा मंडप हमने बात करा ना, मंडप वो होते थे, हॉल्स होते थे, असेंबली हॉल्स होते थे जहाँ पे लोग प्रेयर करते थे, तो वो ज़रूर होते थे टेम्पल्स के अंदर जो कि नगर स्टाइल के अंडर आते हैं। फिर उसके बाद आउटसाइड द गर्भगृह, यानी गर्भगृह के बाहर जो मेन अंदर की साइड जाके प्रिंसिपल डेटी बैठे होता है, उसके बाहर क्या होता था, इमेजेस ऑफ द रिवर गॉडेसेस गंगा एंड यमुना वर प्लेस्ड, यानी कि इमेजेस प्लेस करी जाती थी गंगा और यमुना, यानी कि रिवर नदियों की पूजा भी वहाँ पर की जाती थी। देयर वर नो वाटर टैंक्स और रिजर्वायर्स, वाटर टैंक्स वगैरह नहीं होते थे।
द टेम्पल्स वर जनरली बिल्ट ऑन अप्रेस प्लेटफॉर्म, जो टेम्पल है वो ऊंचे उस पद पर बनते थे। द पॉर्टिकोज हैड अ पिलर्ड अप्रोच, यानी जो वरांड बाहर एंट्रेंस एंड जब हम घुसते हैं तो मंदिर के आगे जो चबूतरा होता है वहाँ पर पिलर्ड लगे हुए होते थे, पिलर के ऊपर वो छत आई हुई होती थी, जैसे हम छज्जा कहते हैं वो पिलर लगे हुए होते थे। ठीक है गाइस, देन उसके बाद यहाँ पे शिखर जो है हमारे वो जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं, हमें वो कवर करने हैं। पहला शिखर जो होता है वो लेटिना और रेखा प्रसाद का वो कहते हैं हम लोग, जो जनरली स्क्वायर एट द बेस एंड द वॉल्स कर्व इनवर्ड टू अ पॉइंट एट द टॉप, यानी कि स्क्वायर नीचे से इस तरीके से शिखर हुआ करते थे। ठीक है, फिर आते हैं हमारा दूसरा शिखर कौन सा है, फमासना। फमासना दे हैड अ ब्रॉडर बेस एंड वर शॉर्टर इन हाइट, यानी कि बड़े बड़े बेस होते थे और उनकी हाइट छोटी होती थी, यानी इस तरीके से बेस बॉर्डर होता था और हाइट छोटी होती थी। फिर दूसरे तीसरे हमारे आते थे वलाबी शिखर। वलाबी शिखर कैसे बनता था, रेक्टेंगुलर बेस यानी वॉल्टेड चैम्बर्स, वॉल्टेड चैम्बर्स बनते थे यानी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारा वो जो हमारे शिखर ये वाले बनते थे। ठीक है गाइस, जो हमारा वॉल्टेड यानी कि गुमदाकार जो ऐसा होता है वैसा, इस तरीके से हमारे यहाँ पे शिखर बनते थे। देन उसके बाद आता है हमारा द वर्टिकल एंड ऑफ द शिजहारा एंडेड इन अ हॉरिजेंटल फ्यूटेड डिस्कस नॉन एज द डिस्क अमालक, यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, इस तरीके से हमारा शिखर बनता था, इसके ऊपर भी एक गोल गोल होता था जिसे हम अमालक कहते थे। फिर उसके ऊपर एक और चीज़ प्लेस होती थी जिस पे हम कलश कहते थे, कलश प्लेस करते थे। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इनसाइड द टेम्पल वॉल्स वार डिवाइडेड इंटू थ्री वर्टिकल प्लेन्स, यानी कि टेम्पल के अंदर जो वॉल्स थी वो अलग अलग उसमें डिवाइड करी जाती थी, यानी इस तरीके से मंदिर बनाया जाता था, इसके ऊपर हम मंदिर बन जाता था, जो कि हम दीज वर नोन एज द त्रिरथ टेम्पल्स। अगर तीन दीवारें हैं तो त्रिरथ टेम्पल कहलाएगा, पांच दीवारें हैं पंचरथ, सात दीवारें हैं सप्तरथ, और अगर नौ दीवारें हैं तो नवरथ। तो हम आगे अभी पिक्चर के थ्रू इसे पढ़ेंगे, आपको पिक्चर के थ्रू समझ में आ जाएगा। द एम्बुलेटरी पैसेज वे और द प्रदक्षिणा पाथ अराउंड द सेंक्टम सेंक्टोरम वॉज कवर्ड, नगर स्टाइल में जो प्रदक्षिणा पाथ था, मैं जैसे मंदिर है इसके किनारे किनारे पाथ होता है, ठीक है, इसके गोल गोल घूमने के लिए और पूजा करने के लिए, प्रदक्षिणा करने के लिए, तो वो पाथ होता था, वो कवर्ड थे। जनरली द टेम्पल प्रेमिसेस डिड नॉट हैव एलोबरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज, यानी कि जो जनरली जो टेम्पल्स होते थे उनमें बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी और गेटवेज भी नहीं होते थे नगारा स्टाइल में। देन उसके बाद हमारा एक नगारा स्टाइल के यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे जिस तरीके से यहाँ पे टेम्पल्स बनते थे, ये हमारा एंट्रेंस, ठीक है, एंट्री हुई, ये हमारी हो गई शिखर। उसके बाद हमारा पिलर्ड अप्रोच क्या है, यहाँ पर पिलर आप देख रहे हो, ठीक है, अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, ये चीज़ खाली है, इधर से भी, तो ये वरांडा जो है ये वाला, ये हमारा कहलाता है मंडप, मंडप अंदर वाला कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है पैट्रिको। ठीक है गाइस, पॉट्रिको हमारा, पॉट्रिको ये कहलाता है ये वाला एरिया, द्वार मंडप जिसे कहते हैं, द्वार पे ही जो ये चबूतरा होता है इसे कहते हैं पॉट्रिको, ये हमारा द्वार मंडप कहलाता है जो कि पिलर पे रुका हुआ है, ये छज्जा हमारा। देन उसके बाद ये हमारा सेंक्टम सेंक्टोरम, ये अंदर की साइड गर्भगृह है जहाँ पे प्रिंसिपल एक मेन भगवान जो बैठे होते हैं। फिर उसके बाद जो ये मंदिर है वो अप्रेस प्लेटफॉर्म पे होता था और किनारे किनारे घूमने की जगह होती थी मंदिर के, ठीक है, जिसे हम एम्बुलेटरी पासवे कहते, पैसेज वे कहते थे, जहाँ पर हम प्रदक्षिणा करते थे। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे रथ थे, यानी कि तुम आप हम पढ़ रहे थे कि जो ये दीवार हैं वो तीन हैं चार हैं, तो वो इस तरीके से त्रिरथ इसे कहते थे, इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पे ये टेम्पल बन जाता था ऊपर ही इसके। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे वॉल डिज़ाइन होती थी। पंचरथ यानी कि पांच तरीके से यहाँ पे दीवार बनाई जाती थी, सप्तरथ यानी कि सात बार ऐसे इस तरीके से दीवार बनाई जाती थी, फिर देन उसके ऊपर टेम्पल खड़ा कर दिया जाता था। देन उसके बाद यहाँ पर बात होती है, अंडर द नगारा स्कूल द फॉलोइंग थ्री सब स्कूल्स एमर्ज, यानी कि नगारा स्कूल के अंदर तीन सब स्कूल्स आते हैं मेन, जिन्हें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहले हम कवर करेंगे ओडिशा स्कूल। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कलिंगा एम्पायर, यानी कलिंगा एम्पायर जब चल रहा था उनके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के टेम्पल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। पहला जो ओडिशा स्कूल है उसका क्या फीचर्स थे, एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड, यानी कि जो बाहर की दीवारें थीं ओडिशा स्कूल की वो पूरी तरह से बड़ी मात्रा में डेकोरेट बहुत अच्छी तरीके से सजाई गई थी विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, यानी कि नक्काशी के साथ, जैसे आप कहते हो ना दीवारों पर नक्काशी की कला हो जाती है, तो नक्काशी की कला से वो
एक्सटीरियर वॉल डेकोरेट करी गई थी, बट इंटीरियर वॉल्स वर प्लेन। बट एक चीज़ और है, क्या अंदर की दीवारें जो थी वो एकदम प्लेन थी। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ पिलर्स, पिलर का यूज़ वहाँ पर नहीं हुआ था। इन द पोर्च, ठीक है, पोर्च क्या कहते हैं हम लोग, वरांडा को, बरामदा को हम पोर्च कहते हैं। ओडिशा स्कूल में जो बरामदा था वहाँ पे पिलर का यूज़ नहीं हुआ था। हालांकि आयरन गिर्डर्स वर यूज इंस्टेड टू सपोर्ट द रूफ, लोहे के खंभे यूज करे जाते थे रूफ को, छत को सपोर्ट देने के लिए। द शिखर्स इन द ओडिशा स्कूल वर नोन एज रेखा ड्योल्स, यानी जो शिखर थे वो ओडिशा स्कूल में क्या कहलाए जाते थे, रेखा ड्योल्स। ये पूछ सकता है, आपको याद रखना है। दे वर ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स विद सडनली कर्व्ड इनवर्ड शार्पली, ठीक है। देन उसके बाद द मंडप वॉज नोन एज जगमोहन, मंडप यानी कि जहाँ पे हम लोग खड़े होकर प्रेयर करते हैं वो क्या कहलाता था, जगमोहन। द ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल वॉज स्क्वायर, यानी कि जो टेम्पल वो बनता था वो एकदम स्क्वायर बनता था। टेम्पल्स वर सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल्स, टेम्पल जो है वो जो बाउंड्री से सराउंडेड हुआ था, यानी कि टेम्पल जो है टेम्पल किनारे किनारे वॉल्स बनी हुई होती थी। हालांकि हमने पढ़ा था अभी कि नागरा स्कूल में बाउंड्री नहीं होती है, बट हमने क्या पढ़ा था कि सम इज उसमें, बट कहीं किसी किसी में यहाँ पे ओडिशा स्कूल में है, ठीक है, बाउंड्री आपको इतना याद रखना है। हमारे पास एग्जाम्पल है ओडिशा स्कूल का, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा। जो सन टेम्पल है उसे हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है उसके गर्भगृह में, उस मंदिर के, कोणार्क के मंदिर में जो गर्भगृह है, जो प्रिंसिपल डीटी बैठे वहाँ पर सबसे पहली किरण सूर्य की पड़ती है। उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है। उसके बाद हमारे पास लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है। देन उसके बाद ये हमारा एक स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे लेबलिंग पढ़ लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए हमारा टेम्पल है, अब यहाँ पे आप ये रास्ता देख रहे हैं, पहले हम यहाँ से चढ़े, ठीक है, यहाँ से हम लोग एंटर हुए, फिर ये होगा हमारा अर्धमंडप, यानी कि जो चबूतरा होता है बाहर का, ठीक है, एंट्रेंस पोर्ट जो बाहर का बरांडा होता है वो। फिर उसके बाद मंडप, ये हमारा हॉल आ गया, ठीक है, छोटा सा हॉल आ गया। उसके बाद हमारे पास ये आ गया ग्रेट मंडप, महामंडप आ गया, एक बड़ा सा हॉल जहाँ पे ढेर सारे लोग खड़े होकर एक साथ पूजा कर लेंगे। उसके बाद हमारा आया है एक सब्सिडरी शिखर, यानी कि सब्सिडरी शिखर यानी कि आपको पता है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक टेम्पल के किनारे किनारे ढेर सारे टेम्पल होंगे, जैसा कि आप देख रहे हो इन सब के ऊपर भी शिखर हैं, तो यानी सब्सिडरी शिखर हो गए। हमने यहाँ पे पढ़ा था अमालक, ठीक है, अमालक यानी कि इस तरीके से था टेम्पल, इसके ऊपर एक गोल गोल है वो उसे अमालक कहते हैं, उसके ऊपर कलश, तो ये हमारा अमालक, उसके ऊपर कलश, यह हो गए हमारे शिखर, और ये हमारे गर्भगृह है सबसे अंदर जिन्हें होगा जो प्रिंसिपलिटी है हमारे, और पैसेज वे कौन सा है, आप यहाँ से घुसे, हम यहाँ से गोल गोल घूम सकते हैं और प्रदक्षिणा कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पैसेज वे। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने पूरा लेबलिंग पढ़ ली है अच्छे से। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल, एक लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, वो इस तरीके से डिज़ाइन है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर दी है। देन आता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ स्कूल, खजुराहो, जो कि नगारा स्टाइल में जो सेकंड टाइप स्कूल है हमारा, सेकंड सब स्कूल है, पहला ओडिशा स्कूल, दूसरा खजुराहो स्कूल। देखते हैं खजुराहो स्कूल में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया द चंदेला रूलर्स डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग ऑफ देयर ओन नोन एज खजुराहो स्कूल। खजुराहो स्कूल जो कि सेंट्रल पार्ट में बनाया, इंडिया के बनाया गया, जो कि चंदेला रूलर्स डेवलप करते थे, ठीक है, जिसे हम लोग खजुराहो स्कूल कहते थे और चंडेल स्कूल भी कहते थे। द फीचर ऑफ द टेम्पल्स जो हैं वो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट फीचर है टेम्पल का, वो बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड। अभी हमने ओडिशा स्कूल में पढ़ा कि जो बाहर की दीवारें थी, एक्सटीरियर वॉल्स ही सिर्फ वहाँ पर डेकोरेट करी गई थी, बट यहाँ पर क्या करा गया है, यहाँ पे एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर यानी कि बाहर की दीवारों के साथ साथ अंदर की दीवारें भी यहाँ पर अच्छी तरीके से कार्विंग्स यानी कि जो नक्काशी कर दी गई है इस पे भी, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट हैं दोनों दीवार, अंदर की भी बाहर की भी। सेकंड इज द स्कल्पचर्स वर जनरली एरोटिक इन देयर थीम्स एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम वत्सायनास कामसूत्र, यानी कि जो स्कल्पचर्स थे वो इंस्पायर होके बनाए गए थे वत्सायनास और कामसूत्र से, वहाँ पे इंस्पायर होके बनाए गए थे। देन थर्ड इज द टेम्पल वर मेड ऑफ सैंड स्टोन्स, जो टेम्पल हमारे बने खजुराहो वो सैंड स्टोन से बने। टेम्पल्स हैड थ्री चैम्बर, खजुराहो में तीन चैम्बर होते थे, गर्भगृह सब में होता है जैसे हमने पढ़ा, मंडप हमें पता है, अर्धमंडप, अर्धमंडप यानी कि मान लीजिए ये हमारा टेम्पल है, ठीक है, इसके बाहर एक यहाँ पर हॉल है,
इसके बाहर से हम ये हमारा रास्ता चढ़ के गए हम ऊपर सीढ़ियों से। देन यहाँ पे ये जो पहला हॉल पड़ेगा, जो पहला हमारा ये वरांडा पड़ेगा, इसे हम कहेंगे अर्धमंडप। जो दूसरा पड़ेगा बड़ा सा हॉल, इसे हम कहेंगे मंडप। और फिर हमारा यहाँ पे ये गर्भगृह है, ठीक है। इस तरीके से टेम्पल बना करते थे अंडर खजुराहो स्टाइल। द टेम्पल्स वर जनरली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग। जो टेम्पल्स थे वो नॉर्थ और ईस्ट को फेस करते थे। पंचायतन स्टाइल्स वहाँ पे करा जाता था, पंचायतन स्टाइल में बनाए जाते थे। पंचायतन स्टाइल यानी कि एक मेन जो टेम्पल है वो यहाँ पर बीच में किनारे किनारे इसके चार टेम्पल बनाए जाते थे। उसके बाद द टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म। जो टेम्पल्स बनाए जाते थे अंडर खजुराहो स्टाइल, वो थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, ऊंचे पद पे बनाए जाते थे। और खजुराहो स्कूल में हिंदू एज वेल एज जैन रिलीजन से रिलेटेड टेम्पल्स बनाए जाते थे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, केंद्रीय महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यह है विश्वनाथ टेम्पल जो खजुराहो में है, आप देख सकते हैं। यह हमारे पास एक टेम्पल मेन जो बीच में टेम्पल है, किनारे किनारे इसके हमारे जो चार टेम्पल होंगे, जिसे हम जिस वजह से यहाँ पे इसे पंचायतन स्टाइल, पंचायतन भी कवर हो गया, ऊंचा बना हुआ है इसलिए रेस प्लेटफॉर्म पे, रेस प्लेटफॉर्म वाला फीचर भी आ गया। प्लस ये हमारा जो है ये अर्धमंडप है, अगर हम घुसेंगे तो ये अर्धमंडप है, ये मंडप है, ये महामंडप है, ठीक है गाइस। और ये हमारा पैसेज वे है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये मंदिर विश्वनाथ टेम्पल जो खजुराहो में है ये बना हुआ है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्कूल जो होता है सोलंकी स्कूल, ऑल्सो नोन एज मारू गुजारा स्कूल, ठीक है। सोलंकी स्कूल आता है जो सब स्कूल है नगारा स्टाइल का, जो थर्ड थर्ड सब स्कूल है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात एंड राजस्थान, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गुजरात और राजस्थान के साथ साथ, दिस स्कूल डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सोलंकी रूलर्स। जो स्कूल ये डेवलप हुआ वो किसके अंडर में डेवलप हुआ, सोलंकी रूलर्स के। इस स्कूल के फीचर्स क्या थे, द टेम्पल वॉल्स वर डिवॉइड ऑफ एनी क्रेविंग, यानी कि इस टेम्पल की जो वॉल्स थी, जितनी भी सारी वॉल्स थी, वहाँ पर कोई भी कार्विंग्स नहीं थी, नक्काशी वहाँ पे कुछ भी नहीं थी, मतलब ज़्यादा डेकोरेशन वेकोरेशन पे वो नहीं थी वो दीवारें। दूसरा पॉइंट क्या है, द गर्भगृह इज कनेक्टेड विद द मंडप बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। जो गर्भगृह है मंदिर का, जो गर्भगृह है जहाँ पे प्रिंसिपल डीटी बैठे होते हैं मेन, वो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली कनेक्टेड था, यानी कि वो आगे पीछे दोनों तरफ से रास्ता था, इधर से गए आप पीछे से निकल सकते हैं, ठीक है। बीच में यहाँ पे प्रिंसिपल डीटी बैठे होंगे, आगे पीछे दोनों तरफ से रास्ता था। देन उसके बाद द पोर्टिकोज हैव डेकोरेटिव आर्च गेटवेज नोन एज तोरंस, यानी पोर्टिकोज यानी जो हमारा द्वार मंडप होता था, बाहर से जाने का मतलब जाने का रास्ता होता है एंट्रेंस, वो जो गेटवे थे तो जिन्हें हम तोरंस भी कहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करे जाते थे, ठीक है गाइस। अंडर द सोलंकी स्कूल्स अ यूनिक फीचर ऑफ द स्कूल इज द प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत यूनिक फीचर क्या है, यहाँ पे हमारे पानी भी मिलने लगा, स्टेप टैंक बना नोन एज सूर्यकंड, सूर्यकुंड, उसे हम सूर्यकुंड भी कहते थे, इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टेम्पल, ठीक है गाइस। जो कि प्रॉक्सिमिटी यानी कि निकट टेम्पल के जो बिल्कुल पास में था, ठीक है, सूर्यकुंड यहाँ पे वो भी प्रेजेंट था, जिसे हम स्टेप टैंक कह रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे गुजरात राजस्थान में पानी की, जैसा आपको पता है राजस्थान में पानी की कमी है, ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे टेम्पल्स में स्टेप टैंक भी रखे गए हैं। दिस स्टेप ऑफ द टैंक्स आर फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स। जो स्टेप ऑफ द टैंक्स यानी कि जो सूर्यकुंड बना हुआ है, अब जीना चढ़ के हम जीना उतर के जाते हैं हम लोग नीचे ऐसे करके, जो ये स्टेप्स हैं यानी कि जो जीने बने हुए हैं वहाँ, उसके ऊपर भी छोटे 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 मंदिर बने हुए हैं, स्मॉल टेम्पल्स बने हुए हैं। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। टू मेक टेम्पल्स इंक्लूडिंग सैंड स्टोन्स, जो ये टेम्पल बने किस किस से बने, सैंड स्टोन, ब्लैक बेसल्ट एंड सॉफ्ट मार्बल से ये टेम्पल्स बनते थे। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये हमारा नीचे है सूर्यकुंड, ठीक है, ये नीचे इस टेम्पल के, जो सन टेम्पल हमारा मोधेरा में, उसके यहाँ पे ये है नीचे सूर्यकुंड। आप देखते हो हम नीचे सीढ़ियों से उतर के आएंगे जीने पे से, तो ये जीने पे छोटे छोटे आप देख सकते हो ये ढेर सारे यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर ईस्ट फेसिंग, ज़्यादातर जो टेम्पल थे वो ईस्ट की तरफ फेस करके बनाए जाते थे। डिजाइन सच दैट एवरी ईयर ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स सन रेजेस फॉल्स डायरेक्टली इन टू द सेंट्रल श्राइन, यानी कि इस तरीके से बनाए जाते थे जब कि साल में जब भी इक्विनॉक्स आए, यानी इक्विनॉक्स यानी ऐसी कंडीशन आए कि दिन और रात जब बराबर हों, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इक्विनॉक्सिस आए तो जो सन की रेज हैं, जो सूरज की किरण है, वो डायरेक्टली जो है वो मेन जो हमारे प्रिंसिपल डीटी हैं, जो हमारी मेन प्रिंसिपल डीटी है यानी कि जो अंदर मेन मूर्ति है उसके ऊपर पड़े, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मोधेरा सन टेम्पल जो कि गुजरात में है, जो कि बिल्ट हुआ
1026 से लेकर 1027 में बाय भीमा फर्स्ट के द्वारा। यह हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है। यह मंदिर है हमारा, ये सूर्य कुंड नीचे, और ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स के ऊपर भी यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, इस तरीके का मंदिर बनने लगे। तो गाइज यहाँ पे हमने आज कवर कर लिए हैं टेम्पल्स पूरे, अब हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में साउथ इंडियन आर्ट। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा नीचे, आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करिए। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दिखाइए, ताकि मेरी जितनी भी स्टैटिक वीडियोज़ और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आएंगी रिगार्डिंग यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। और आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा हर अपडेट्स का मिलता रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है deepak_1004, और फेसबुक अकाउंट है दीपक यादव के नाम से, दोनों जगह एक ही प्रोफाइल है। आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं साउथ इंडियन आर्ट के साथ। आज के लिए बाय बाय।